इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज 1928 में हुआ बारदोली सत्याग्रह, जिसने नारीवाद की असल परिभाषा बताई। वो सत्याग्रह जिसके जरिए सूरत के 137 गांव के किसानों ने ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साथ ही इस सत्याग्रह ने देश को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलाया। बारडोली सत्याग्रह के इतिहास को करीब से जानने के लिए भास्कर की टीम बारडोली के उसी स्वराज आश्रम पहुंची जहां से बारडोली सत्याग्रह की नींव रखी गई। आजादी के इतिहास में बारडोली सत्याग्रह सुवर्ण अक्षरों से लिखा गया है। बारडोली सत्याग्रह खेडूतों के लिए लड़ा गया था। सरदार साहब यानी के वल्लभ भाई पटेल को यहीं से सरदार का बिरुद मिला था। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए निरंजन नाबेन कलार्थी है। क्या हुआ कि यहाँ किसान लोग बहुत चिंता में थे कि इतना कर बढ़ा दिया अंग्रेज सरकार ने, तो अब सत्याग्रह करने की घड़ी आ गई। लोगों ने विचार किया कि महात्मा गांधी अफ्रीका में सत्याग्रह सफल करके आए हैं, तो चलो हम भी उनको बुला लाए और कहे कि यहाँ सत्याग्रह करे। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा, आप ऐसा करो, यहाँ भद्र में मेरा मित्र प्रैक्टिस कर रहा है, वो अच्छा बैरिस्टर है, उसको ले जाए। और वो मित्र माने वल्लभ भाई पटेल, तो उनको लेके समझा के लेके गए बारडोली, एक किसानों की मीटिंग रखी। सरदार साहब ने कहा ऐसी अकेले की मीटिंग नहीं चलेगी, जैसे परिवार में बहनों का स्थान है ऐसे सत्याग्रह में भी बहनों का स्थान है। 4 महीने के बाद एक बहन खड़ी हो गई। वो बहन खड़ी होकर बोलने लगी कि वल्लभ भाई, हम आज से आपका नेतृत्व देख के यानी आपकी सरदारी देख के हम आपको वल्लभ भाई नहीं कहेंगे, हम आपको सरदार कहेंगे। और तब से दुनिया को सत्याग्रह से एक सरदार मिल गया। सरदार पटेल नारी शक्ति को बखूबी पहचानते थे, इसलिए सरदार पटेल ने सत्याग्रह में महिलाओं को जोड़ने का काम किया। स्त्री शक्ति कुछ भी कर सकती है। जब पॉलिश गांव में भैंस और डोर और गाय और मिलकर जब्त करने के लिए आते थे, तब सब स्त्रियां घर के सामने बैठ जाती थी बारने में और पुलिस उसको कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल बहनों के बीच विशिष्ट प्रकार का नाता रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक पर्यावरण प्रेमी भी थे। उन्होंने आश्रम में अपने हाथों से नीम, आम और चीकू के कई पेड़ लगाए थे। इन्हें आश्रम में आज भी देखा जा सकता है। बारडोली स्वराज आश्रम में सरदार निवास सहित पूरे आश्रम का संचालन योगिनी बेन चौहान कर रही है। आइए उनसे जानते हैं कि इस आश्रम की क्या भूमिका उस दौरान रही थी। वल्लभ भाई पटेल यहाँ आए, यहाँ सभाएं करी, ये बारडोली का जो स्वराज आश्रम है उसको मुख्य छावनी बनाई और यहाँ सभी उद्योगों छोटा से छोटा सुबह उठ के जो भी कार्य हमको चाहिए और शाम को सोते तक जितना कार्य दूसरे पर परावलंबी रहते थे हम, वो सब स्वावलंबी बने। बारडोली के इस स्वराज आश्रम में आज कन्या विद्यालय चल रहा है। यहाँ पर 110 से ज्यादा लड़कियाँ थोड़ा 9 और 10 में अभ्यास कर रही है। सरदार पटेल की बेटी मणिबेन ने यहाँ छोटे बच्चों के लिए बाल मंदिर शुरू किया जहाँ निशुल्क पढ़ाई होती है। इसके अलावा एक गर्ल्स स्कूल और हॉस्टल के जरिए छात्राओं को गांधीवादी आदर्शों के साथ मुफ्त शिक्षा दी जाती है। आश्रम के पास बारडोली सत्याग्रह की यादें ताजा करने वाला एक म्यूजियम भी है, जिसमें सरदार पटेल के इतिहास से जुड़ी 562 ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी हैं। सरदार ने इस जगह से 6 महीने तक लगातार खेडूतों के साथ मिलकर एक जोरदार आंदोलन किया था। इसी आंदोलन की वजह से देश को आज़ादी के लिए नई राह मिली थी।